एवरीवन, दिस इज कॉमर्स कॉर्नर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ ऑडिटिंग। तो इस वीडियो में हम ऑडिटिंग के एक लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो है ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। सो सबसे पहले करते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है इसकी। ऑडिटिंग इज टू सी वेदर द बैलेंस शीट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ बिजनेस और पी एंड एल अकाउंट ऑल्सो शोज ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कि ऑडिटिंग का मतलब क्या है कि बैलेंस शीट और पी एंड एल में ट्रू एंड फेयर जो है व्यू हो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, मतलब अच्छे से शो की गई हो, प्रॉपर क्लियर हो, ठीक है, सारी स्टेटमेंट जो भी पी एंड एल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट होती है या फिर ट्रायल बैलेंस होता है, वो कौन करेगा? अब ऑडिटर करेगा। ऑडिटर है कौन? अब देखो, ऑडिटर विल इंस्पेक्ट द एक्यूरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा बंदा जो उसकी ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी को देखेगा ताकि मोर रिलायबल स्टेटमेंट सबके सामने आए, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेशन। डेफिनेशन में देखो, एन ऑडिट इज एग्जामिनेशन ऑफ सच रिकॉर्ड्स टू एस्टैब्लिश देयर रिलायबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? वही जो हमने पहले पढ़ा था, बस उसने अपने वर्ड्स में यहाँ पे क्लियर कर दी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी हो कि हम उस पर विश्वास कर सकें, ठीक है, और एग्जामिनेशन हो प्रॉपर रिकॉर्ड्स की। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन करी, ऑडिटर का मीनिंग करा एंड देन डेफिनेशन करी ए डब्ल्यू हैंसन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब करते हैं कि क्वेश्चन क्या था हमारा, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। तो इसे एक्सप्लेन करते हैं। देखो, जो डॉग होता है वो एक वफादार एनिमल होता है ना, तो उसे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई अगर हाउस में घुस रहा है, ठीक है, तो उसे वॉर्न करना है। वो सीधा काटता नहीं है, सीधा वॉर्न करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे ऑडिटर को उससे कंपेयर करा गया है कि यहाँ पे वो जस्ट रियलाइज़ कराएगा कि क्या क्या गलत हो रहा है उस कंपनी में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें एक केस आता है किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी 1986 का, जिसमें जो जज लॉब्स है उसने क्या किया है, जस्टिफाइड किया है इस केस को। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो ऑडिटर है, ठीक है, अगर वो टॉप मैनेजमेंट के अंडर काम कर रहा है, तो जैसे डॉग अपने मालिक को जो है वॉर्न करता है कि घर में कोई घुस गया, ठीक है, तो उसी केस में जो ऑडिटर है वो अपने जो टॉप मैनेजमेंट को बताएगा कि इस स्टेटमेंट में कोई गलती है या फिर कुछ रॉन्ग हो रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये यहाँ पे केस जस्टिफाई होता है। सो हमने यहाँ पे डॉग से कंपेयर करके इसे जस्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं ऑडिटिंग के। देखो, इसके टू मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑडिटिंग के। मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वेरीफाई करना, जैसे ऑडिटर करता है वेरीफाई नॉर्मल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, चाहे वो ट्रायल बैलेंस हो, बैलेंस शीट हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ठीक है, एनी स्टेटमेंट। तो सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, कि फ्रॉड्स एंड एरर्स को डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना। इसमें सब पॉइंट्स भी आते हैं फ्रॉड्स एंड एरर में, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए हम इसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जस्ट इसका डायग्राम बना देंगे। नेक्स्ट है कि कौन सी क्वालिटीज़ एक ऑडिटर में होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि प्रिंसिपल्स का पता हो, क्योंकि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी जाती हैं तो उसमें मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं, तो हर एक का उसे मेथड ऑफ प्रेपरेशन पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मस्ट बी ऑनेस्ट। अब ये तो नॉर्मल क्वालिटी है, ऑनेस्ट होना चाहिए। जैसे हमने एक केस किया था लास्ट में, जो डॉग वाला केस था, वो एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। जैसे डॉग ऑनेस्ट होता है वैसे ही ये ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, अपने ऑनर के टुवर्ड्स। नेक्स्ट है कि कंपनी एक्ट की भी उसे नॉलेज होनी चाहिए, या मर्केंटाइल लॉज होते हैं उनकी प्रॉपर नॉलेज उसे होनी चाहिए। तो ये हमने थ्री पॉइंट्स करे। सबसे पहले हमने करा कि उसे प्रिंसिपल की नॉलेज हो, सेकंड ऑनेस्ट होना चाहिए, थर्ड मर्केंटाइल एंड एक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उसे नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस की, जो बिजनेस के अकाउंट्स को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने ऑडिट करनी है। अगर बिजनेस के अकाउंट्स ही अफेक्टेड होंगे तो हमारा क्या रिजल्ट निकलेगा। तो उसके बेस पे हमें इकोनॉमिक्स की और इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है।
इसके अलावा कुछ कॉमन नॉलेज होनी चाहिए, या फिर कह सकते हो यहाँ पे हार्ड वर्किंग पॉइंट ऐड कर सकते हो, या फिर ऐसे रख सकते हो कि कॉन्फिडेंशियल डेटा रखे अपने पास। ये सब क्वालिटीज़ जो है ऑडिटर के पास होनी चाहिए, ठीक है। एडिक्वेट स्किल्स होनी चाहिए, और इसके अलावा उसे टेक्निकल डिटेल्स भी पता हो, यानी कि वो जो भी अकाउंट में ऑडिट कर रहा है, किसी भी अकाउंट में उसके टेक्निकल डिटेल्स लाइक लोन एंड एडवांसेस हो गए, तो वो डिपॉजिट की तरह तो नहीं ट्रीट करे गए हैं, या फिर ये जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं वो सिक्योर हैं या नहीं, ठीक है। तो ये टेक्निकल डिटेल्स में आ जाएगा। तो हमने अभी तक क्वालिटीज़ करी ऑडिटर की। नेक्स्ट करते हैं ड्यूटीज़ एंड रोल ऑफ एन ऑडिटर। सबसे पहले उसकी ड्यूटी क्या होती है, ऑडिट रिपोर्ट्स बनाना। रिपोर्ट्स का मीनिंग होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टैटिक्स या डिटेल्स की असेसमेंट, ठीक है। और ये जो है एक या एक से ज़्यादा मीटिंग में चल जाती है, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर इसे हम कंपेयर करें विद मिनट से, ठीक है, तो वो हर एक मीटिंग के अलग अलग बनते हैं। बट रिपोर्ट्स जो होती हैं वो मोर देन 2 मीटिंग्स या 1 मीटिंग्स पे चल जाती हैं। नेक्स्ट करते हैं मेक इंक्वायरीज। तो यहाँ पे ये जो फॉलोइंग 2 इंक्वायरीज हैं ये मेन इंक्वायरीज होती हैं जो ऑडिटर करता है, जैसे लोन्स एंड एडवांसेस जो ग्रांट किए गए हैं वो बेसिस ऑफ सिक्योरिटीज़ पे किए गए हैं और सिक्योर हैं या नहीं है, ठीक है। और जो डिपॉजिट लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट के तरह तो नहीं शो किया गया, ठीक है। तो ये सारी ड्यूटीज़ होती हैं कि वो चेक करें, ठीक है। फर्स्ट ड्यूटी थी हमारी ऑडिट रिपोर्ट्स बनाना, उसके बाद हमारी ड्यूटी आई कि उसे इंक्वायरीज़ करनी है दो चीज़ों की, लोन्स एंड एडवांसेस के रिलेटेड। थर्ड पॉइंट है हमारा कि वो कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग चले, मीन्स कोड ऑफ इथिक्स के अकॉर्डिंग, मीन्स जो भी टॉप मैनेजमेंट है उसे प्रेस्क्राइब कर रही है कि ऐसे काम करना है, ये ऐसे करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चेक करे, ऑडिट करे। नेक्स्ट पॉइंट है असिस्टेंस इन एन इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब ये है कि जो ऑडिटर है वो सपोर्ट करे सारे ऑफिसर्स को ताकि इन्वेस्टिगेशन ईजी हो जाए। फ्रॉड्स जो हैं 3 टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कैश के रिलेटेड हो सकते हैं फ्रॉड्स, या फिर परचेज के अकॉर्डिंग कैश जो है मिस अप्रोप्रिएट फिल करती, ठीक है, या फिर सेल के टाइम पे। और जो गुड्स के रिलेटेड भी हो सकते हैं, या तो आपके गुड्स चोरी हो गए हैं, ठीक है, बट आपने उसे शो नहीं किया, या फिर आपने स्टॉक करके रखे हैं तब भी आपने कुछ शो नहीं किया। मैनिपुलेशन अकाउंट्स भी बन सकते हैं, मींस आपके गलत अकाउंट्स बन रहे हैं, आप कुछ और शो करना चाह रहे हो, कुछ और शो हो रहा है। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट आता है ऑब्जर्व ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को भी ऑब्जर्व करना ड्यूटी बनती है ऑडिटर की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये स्टैंडर्ड्स जो है इशू करती होती है। तो ऑडिटर जो है यहाँ पे एनालिटिकल चेकिंग भी कर सकता है, जैसे वो वॉच डॉग के साथ हमने कंपेयर करके इसे एक गार्ड के रूप में शो करा था। तो यहाँ पे जो है एक वॉच डॉग गार्ड करता है हाउस को सारी डायरेक्शंस में, वैसे ही जो ऑडिटर है वो भी ऐसे ही सारी ट्रांजैक्शन को अर्थमेटिक एक्यूरेसी के बेस पे देखेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन जो हमारा डॉग के रिलेटेड था, यानी कि ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड।